नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए बुध बनाएंगे सुंदर शुभ योग और बन जाएंगे भाग्य विधाता। अक्टूबर माह में, अक्टूबर 2021 में बुध ऐसा रोल अदा करेंगे आपकी राशि के लिए और आपकी राशि के स्वामी भी हैं कि आपको सुखों की वर्षा होगी। आपकी राशि के स्वामी बुध 2 तारीख तक आपके लिए बना देंगे भद्र योग। देखिए, जब केंद्र भाव में बुध बैठे हों और अपनी ही राशि में बैठे हों, चाहे मिथुन में हो चाहे कन्या में हो, तो भद्र योग का निर्माण होता है। पंच महापुरुष योग में से एक योग है। और खास बात यह है कि बुध केंद्र में है और अपनी उच्च राशि में है और भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। और उससे पहले शुरुआती दिनों में बुध लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी करेंगे शुक्र के साथ। शुक्र और बुध की बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों परम मित्र हैं। अब बुध जब केंद्र भाव में आ जाएंगे तो बुध क्या करेंगे, कर्म भाव को देखेंगे, यानी 10वें घर को। तो हर तरीके से बुध अक्टूबर माह में मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य विधाता बनने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनका मन पढ़ाई लिखाई में जबरदस्त तरीके से इस माह में लगेगा। पढ़ाई लिखाई में एक शानदार सफलता हासिल करेंगे, आराम से पढ़ाई होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई होगी, कोई परीक्षा कोई कंपटीशन है उसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और सफलता के 100% चांस बनेंगे। जो इस महीने में पढ़ लेंगे वो दिमाग में छप जाएगा, वो याद हो जाएगा, एक शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चों के लिए सौभाग्य का महीना है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, कंपटीशन में अच्छे नंबर आएंगे, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह है, शानदार सफलता मिल जाएगी, शानदार जानदार जबरदस्त मन चाहा पैकेज, मन चाही नौकरी, मन चाहा शहर, सब कुछ बुध आपको दे देंगे। दिल खुश इंसान होंगे आप, काम करेंगे तब भी खुश होंगे, आराम करेंगे तब भी खुश होंगे, घर पर होंगे तब भी खुश होंगे, घर के बाहर होंगे तब भी खुश होंगे। आपके व्यवहार से हर जगह खुशी का माहौल होगा, दिल जीत लेने वाले इंसान होंगे, महिला हो चाहे पुरुष हो। परिवार में आए हुए रिश्तेदार मित्रों का स्वागत करेंगे, बढ़िया बातचीत होगी, पार्टियों का मजा लेंगे, आनंद ही आनंद होगा जीवन में। नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, शानदार बुद्धि का प्रयोग करके कठिन से कठिन काम को आसान बनाएंगे, काम के नए तरीके खोज लेंगे, बुध आपको भाग्यशाली बना देंगे। अच्छा व्यापारी, अच्छा सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी बना देंगे, सरकार के माध्यम से धन लाभ होगा, बिना लाभ के और बिना मतलब के आप कोई काम नहीं करेंगे। जहाँ पर सफलता और धन दिखाई पड़ेगा उसी जगह पर जाकर आप काम करेंगे, फ्री फोकट में कुछ नहीं करने वाले। भद्र योग की वजह से आप धन और ज्ञान और बुद्धि के मालिक बनेंगे, व्यापार में नौकरी में चतुराई से काम लेंगे, आप एक सफल वक्ता होंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात पर लोग मर मिटने वाले होंगे, जो कह दिया आपने वो लोग मान लेंगे, फिर सामने से प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आप पर विश्वास करेंगे, आपकी एक आवाज़ पर मर मिटने को तैयार होंगे, किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझने की शक्ति आपके पास होगी, क्षमता आपके पास होगी, आप हर प्रश्न का उत्तर अपनी ज़ुबान पर लेकर चल रहे होंगे, आपको कहीं किसी भी समस्या से घबराहट नहीं होगी। कुंवारे हैं तो शादी के योग बनेंगे, विवाहित हैं तो शानदार जीवन होगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया होगा, विदेश से धन लाभ होगा, विदेश जाने से धन लाभ होगा, विदेश जाने का सपना पूरा होगा, व्यापार हो या नौकरी हो शुभ फल प्राप्त होंगे, धैर्यवान धनवान होंगे आप अपना काम खुद करने में यकीन रखेंगे, दूसरों के सहारे की आपको ज़रूरत नहीं होगी, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करके आप और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। अगर आप सीए हैं, एडिटर हैं, पब्लिशर हैं, संपादक हैं, स्पीकर हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं, बैंक में कैशियर का काम करते हैं या कैश किसी भी तरीके से कहीं पर भी संभालते हैं, रिटेल शॉप में काम करते हैं, अकाउंटेंट हैं, और या आप किसी पैसों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसके कंसल्टेंट हैं, बीमा वगैरह बेचते हैं या इस तरीके के काम करते हैं, या आप रिलेशनशिप मैनेजर हैं किसी बैंक में या किसी कंपनी में,
तो आपके लिए बहुत 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 शानदार वक्त है ये। इसके अलावा अगर आप त्वचा के डॉक्टर हैं, स्किन से संबंधित कोई डॉक्टरी करते हैं, चाहे आयुर्वेद हो चाहे किसी भी तरीके का हो, डॉक्टर हैं अगर आप जिसको सरकार से मान्यता प्राप्त है, टीवी रिपोर्टर हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, एंकर हैं, गणितज्ञ हैं, टीचर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, तो आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है इन फील्डों से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो लोग रेडियो जॉकी हैं, जो लोग आवाज़ से काम करते हैं, सोशल मीडिया में जो लोग भी एक्टिव हैं, उनके लिए शानदार वक्त है। भाग्य विधाता बुध आपका भाग्य लिख देंगे। शुरुआती दिनों में बुध और शुक्र जब लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो आपको भौतिक सुखों का आनंद होगा। प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी। आप आसानी से सुख सुविधाएं जुटाने वाले इंसान होंगे। जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जीवन साथी की तरक्की होते हुए देखेंगे। आपकी सलाह से काम बनेंगे। अपने जीवन साथी को नाराज मत करिएगा। बुध आपको आदर और सम्मान देंगे। नौकरी व्यापार में आ रही परेशानियों का अंत होगा। बड़े सरकारी पदों पर आपकी धाक जमेगी। सरकारी नौकरी में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। पुराने सरकारी अटके और फंसे हुए मामलों में सफलता प्राप्त मिलेगी। आरोपों से मुक्त होंगे। नौकरी व्यापार शिक्षा में सफलता तय है। प्रभावशाली और समाज के वरिष्ठ लोगों से संपर्क होगा। बॉस हो या घर के बड़े हों, उनका आशीर्वाद और प्यार और साथ मिलेगा। आप बड़े नाम वाले काम करेंगे। आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को लेने से आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि बुद्धिमान होंगे। आप अपनी काबिलियत के अनुसार काम ढूंढ लेंगे। सुखी जीवन, व्यवस्थित जीवन, अच्छा जीवन जिएंगे। कम उम्र में भविष्य भवन बनाने वाले इंसान होंगे। ये 27-28 दिन जो आपको मिल रहे हैं आपके करियर को सेट कर देंगे। ये 27-28 दिन आपके लिए एक शानदार दिन होंगे जो आपको मुकाम पर ले जाएंगे। बुध वक्री हैं, बुध को केंद्राधिपति दोष भी लगा हुआ है, और अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब है तो हो सकता है कि आपकी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन परिणाम फिर भी आपको मिलेंगे। कुछ उपाय करने पड़ जाएं, लेकिन उपाय करके आपको लाभ मिलेगा। सफलता का प्रतिशत थोड़ा सा कम हो सकता है अगर जन्म कुंडली में स्थिति गड़बड़ है और गोचर में भी बुध वक्री हैं और दोष भी लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ खाली रहेंगे। कहते हैं ना, कई बार इतना मिलता है, इतना मिलता है कि झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं। आपको मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। अगर आप में योग्यता है और आप काम करते हैं और आप योग्य हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य विधाता बनेंगे, भाग्य विधाता का रोल निभाएंगे इस महीने बुध। अब बुध जुबान है, व्यापार है, तो बुध को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा काम क्या है? वाणी को मीठा रखिए, पत्नी का प्यार पाइए, परिवार में सुख शांति रखिए, गणेश जी की उपासना करिए, और जन्म कुंडली में अगर बुध गड़बड़ हैं तो उनके उपाय कर लीजिए। इतना शानदार समय आपको फिर दोबारा पता नहीं कब मिले। तो एक छोटी सी गलती आपने करी हुई है, वो गलती ये है कि आपने कभी अपनी जन्म कुंडली में अपने ग्रहों को सही किया नहीं, या कभी आज से 20 साल पहले कुंडली दिखाई थी तो पंडित जी ने बताया था कर लिया, तो 20 साल पहले जो खाना खाया था, जो 20 साल पहले जो कपड़ा पहना था, वो आपको आज याद है क्या? अरे वो तो उस वक्त का टाइम था, उस समय जो भी लाभ हानि हुई हो गई। अरे आज को सुधारिए। अक्सर लोग हमसे कहते हैं हमने तो 10 साल पहले कुंडली बनाई थी, पंडित जी ने जो पत्थर पहनाया था पहन लिया। अरे जो पत्थर 10 साल पहले पहनाया था, जो उपाय 10 साल पहले था, वो 10 साल पहले का था, उसने 1-2 साल आपको अच्छे रिजल्ट दे दिए, क्या सारी जिंदगी वही चलता रहेगा? क्या जो कपड़े आपने बचपन में सिलवाए थे क्या जवानी में पहन रहे हैं? वो भी तो आप छोटे से बड़े हो गए, तो ऐसे ग्रह भी बदलते रहते हैं। तो ये मत सोचिए कि 10 साल पहले किया था तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। यही गलती आपकी है, इसी गलती को सुधार लेंगे तो ग्रहों को सुधार लेंगे और जीवन में सुख पालेंगे। बाकी अच्छा या बुरा ईश्वर के हाथ है, आपके कर्मों पर डिपेंड करता है और आपकी सोच पर डिपेंड करता है। तो सोच बदलिए, कुंडली को दिखलाइए, कुंडली में जो अशुभ है उसको सही करिए और वक्त का लाभ उठाइए। हम आपकी सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हम सशुल्क आपकी सहायता करके आपके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ज्योतिष के सरल सरल उपायों से। हरिओम, नमस्कार।